टीकमगढ़ कोतवाली में पदस्थ सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई है। कोरोना जांच कर रहे डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष द्विवेदी के निर्देश अनुसार टीकमगढ़ कोतवाली में पदस्थ सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों एवं आरक्षकों की कोरोना संक्रमण की जाँच की जा रही है, जिसमें टीकमगढ़ कोतवाली में 45 से 50 लोगों का स्टाफ है। इन सभी की कोरोना संक्रमण की जाँच की जा रही है, साथ ही इनके सैंपल लेकर जाँच के लिए सागर लैब में भेजा जाएगा। अभी यहाँ पे टीकमगढ़ में कलेक्टर के आदेश अनुसार आज थाना कोतवाली में सैंपलिंग हुई है कोरोना की, जिसमें यहाँ पे 40 से 45 लोग हैं स्टाफ में, जिसकी अभी तक 30 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। टीआई मैडम ने भी अभी जांच करवा ली है और सबसे यही कहना है कि जिनके 9 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज के, वो बूस्टर डोज भी लगवा लें, क्योंकि शहर में संक्रमण फैल रहा है। रोज 20-25 लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, जनता को? यही संदेश देना है कि कोरोना से बच के रहें, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें और दूरी बना के रहें, क्योंकि अभी तीसरी लहर का खतरा चल ही रहा है और अपनी लापरवाही से तीसरी लहर ना आ जाए। अभी जितनी भी कंट्रोल में है कंट्रोल बनाए रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।